ये कैसे मुमकिन है? अभी तो मेहरू जी का मसला खत्म नहीं हुआ है। बेटा तुम्हें बताया था ना, मैंने बहुत समझाया है नुसरत भाभी को, लेकिन अभी परेशानी में उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी की माँ है ना, जमाने से हालात से डरती हैं, इसलिए चाहती हैं कम से कम एक बेटी तो इज्जत से रुखसत हो जाए। बेटा तो अम्मा मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, जल्दी किस बात की, खाला को क्यों परेशान हो रही है, मैं खुद जाके बात। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो बेटा, आप वो कुछ गलत थोड़ी सोच रही हैं। जवान बेटियों की माँ है, जाहिर है उनकी जगह मैं भी होती तो ऐसे ही वहम करती। अच्छा ठीक है, अगर इतनी परेशानी है तो मेरा निकाह कर दो मेहरू जी से, मुझे मंजूर है। तुम खाला जान से बात करो, मैं मेहरू जी से बात करके आता हूं। हेलो, ये तो कमाल खबर है। आज के दिन में पता लगने वाली सबसे अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मेहरू जी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। वो अम्मा चाहती है कि मैं आयत से निकाह कर लूँ, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मेहरू जी से। मेहरू जी कुदरत हमें एक मौका दे रही है, हमें गंवाना नहीं चाहिए। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? तुम्हें ये सब कुछ इसलिए, और मुझे लगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक चाल चलोगे और तुम्हारी साजिश का मैं हिस्सा बन जाऊंगी? मैं चाल चल रहा हूं आपके खिलाफ? ये क्या बातें कर रही हैं मेहरू जी आप? मैं साजिश करूंगा आपके खिलाफ? आप सोच भी कैसे सकती हैं? मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं कह रहा हूं वो लोग ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके काबिल नहीं, आप सुनती नहीं है मेरी बात। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप जानबूझ के कर रही हैं ये सब कुछ, जैसे आपने ठान लिया है कि मैं जो बात कहूंगा वो गलत है। मेहरू जी आप मेरी बात तहम्मुल से सुने, आप सिर्फ एक बार मेरा साथ दे दें, मैं सब संभाल लूंगा। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं खाला, क्या इतराज है आपको? इतराज होने ना होने की बात कहाँ आया है? अभी मेहरू के साथ जो हुआ उसके बाद ये सब कहना बनता है उनका? ऐसे कैसे तुम्हारी शादी अचानक से कर दूं? देखिए मेरी बात सुने, बात सुने, शादी तो होनी है ना, आज हो या कल हो, बात तो एक ही है, अच्छा है ना कि अभी हो जाए। तुम्हें कोई इतराज नहीं है इतनी जल्दी जल्दी में शादी करने पे? अम्मी मुझे क्या इतराज होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ आप जानती हैं। हाँ और अच्छा है ना, हमारा खर्चा ही बच जाएगा। मेहरू जी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? आप क्यों परवाह करती हैं दुनिया वालों की? क्यों परवाह ना करूं दुनिया वालों की मैं?
क्या कहेगी दुनिया कि मैंने अपनी बहन के मंगेतर से शादी कर ली? एक बार फिर तुम्हारी वजह से मैं दुनिया वालों के सामने कठेरे में खड़ी हो जाऊं, ये चाहती हो तुम? तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है मेरा? क्या बुराई है इसमें? क्यों आप इसे बार बार खड़े खड़े जलील कर देती हैं? बहुत ना शुक्रिया आप, थोड़ी कदर करना सीखें। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जात की नफी करके दूसरों को चाहते हैं। बॉबी बात करने दे यार मुझे। अच्छा प्लीज बता दें, प्लीज बता दें कि इसका आखिर कसूर क्या है। आज आप ये बात क्लियर करते हैं। अब एक बार बता क्यों बॉबी? चल यार मुझे बात करने दे। मैं कह रहा हूं ना, इनको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह ये बात करने का।